कटी हुई लकड़ी पर टिकी हुई जिंदगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पेड़ काटने वाले देश के दुश्मन हैं, ये हमारी विरासत के व्यापारी हैं। हम कहां जंगल की लकड़ी काटते हैं? अरे भाई, हमारे ही खेत की सीमा पर हमने जो पेड़ उगाए हैं वही काटते हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं? अरे इसी लकड़ी के बिकने पर मेरे घर से बेटी विदा हुई है, इसी पेड़ की बदौलत मेरे पिता की जान बची थी। हम किसान है किसान, ये पेड़ हमारी आमदनी का जरिया है, ये हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा एवं संशोधन करना पड़ेगा। क्या है, कोई भी कह देगा कटा हुआ पेड़ है, पहली नजर हमेशा धोखा खा सकती है, ये कोई भी कह सकता है, अरे यार ये गलत है, मगर एक ही सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसके पीछे छिपी सच्चाई को किसी ने परखा है क्या? इस प्रश्न के उत्तर के लिए कौन लकड़ी काटता है, क्यों काटता है, किस लिए काटता है, कौन से पेड़ काटता है, कौन लकड़ी का चोर है, कौन लकड़ी का मालिक है, इन अनगिनत सवालों के बीच किसान एवं लकड़ी के व्यापारियों की समस्याएं ऐसी है जैसी कटी हुई लकड़ी पर अटकी हुई जिंदगी। आज सरकारी प्रचार एवं प्रसार के बीच पूरे गुजरात में यही विचार घर कर गया है कि पेड़ काटना जुर्म है, मगर कौन से पेड़? जब किसान ने अपने ही खेत की सीमा पर पेड़ बोए हों, तो वो पेड़ वो क्यों नहीं काट सकता? या एक बात और भी है कि जमीन से लदी हुई सभी मूल्यवान कुदरती संपत्ति आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी, मगर पेड़ जैसी बहुमूल्यवान संपत्ति कभी खत्म नहीं होने वाली। गुजरात के खेड़ा एवं नडियाद जैसे जिलों में ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटी जाती है, यहां लकड़ी के कारखाने भी ज्यादा है, मगर फिर भी इस प्रदेश की हरियाली में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो रहा है। वन विभाग इस बारे में क्या कहेगा? जैसे भारत देश में हरियाणा राज्य में यमुनानगर, यहां आज से 17 वर्ष पहले लकड़ी के व्यापार पर 0% उपज थी, मगर आज सालाना यहां 2500 करोड़ तक का लकड़ी का व्यापार होता है। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं, इसकी वजह क्या? अगर यही हकीकत है तो सरकार इस विषय पर विचार कर सकती है। जैसे किसानों को पेड़ बोने के लिए किसी आज्ञा या इजाजत की जरूरत नहीं, वैसे अपने ही पेड़ काटने के लिए उन्हें किसी सरकारी परवाने की जरूरत न रहे, ताकि किसान और व्यापारी के बीच रहा सरकारी भ्रष्टाचार दूर हो, गरीब एवं मध्यम वर्गीय किसान अपनी आमदनी का सही इस्तेमाल कर सके। यहाँ यही बात किसान बता रहे हैं। पोते उछी रहे हैं ना वाईये से। जाले वाले शेरा रुपये से। हने अन्ना मैं कोई कनारगत ना लागे। हमारे उच्च हमारे बेचवान हो से। हमारे कोई लगन प्रसंग है, हमारे कोई मरी फीती हुआ है, कोई बल खर्चा है, कारण है मैं काटती हूँ। शील मारे इतने मिले बंद हुआ है, तो बस हमने बाहु जीता ना मरा।
ઝાડ કાપીને આપણે વેચવા જઈએ, અમે કોઈ ફોરેસ્ટ ખાતા કે સરકારની કોઈ તકલીફ ના હોય એ રીતે થવું જોઈએ. સરકાર જોડે બીજું તો અમારે તો શું મત ચાલે, નોર્મલ ખેડૂત ની. બર્મા જૈસે છોટે સે દેશ સે ભી દુનિયા કા દેશો મે લકડી કી નિકાસ કી જાતી હૈ. યહાં પર્યાવરણ ભી સંતુલિત અવસ્થા મે હી હૈ. યે બાત સનાતન સત્ય હૈ. સરકાર અગર ઇસ જટિલ કાનૂન કો દોબારા दूसरी नजर से देखे तो पता चल सकता है. जंगल की लकड़ी काटना जुर्म है, ये बात सही, मगर अपने ही खेत की सीमा पर बोए गए पेड़ को काटना जुर्म हो सकता है? जंगल से लकड़ी की चोरी करना पाप है, मगर अपने ही हाथों बोया गया पेड़ काटना कहां की चोरी है? सरकार ये भी सोच सकती है कि अगर उसी का प्रचार एवं प्रसार करे तो हर गांव, हर जगह, हर सूरत में नया बदलाव आ सकता है और सरकार की इकोनॉमी पर सीधा असर हो सकता है. लोकल वुड के व्यापार की आमदनी 250 करोड़ है. अगर किसानों को अपनी उपजाऊ पेड़ की लकड़ी काटने और बेचने दी जाए तो यही व्यापार 10,000 करोड़ तक का हो सकता है. इसी तरह किसान को साग जैसी मूल्यवान खेती के लिए उत्साहित किया जाए तो देश को परदेश से साग नहीं लेना पड़ेगा. लकड़ी के व्यापार में जुड़े व्यापारी को लाइसेंस लेना पड़ता है. क्या हर टिम्बर मार्ट के मालिक चोरी की लकड़ी खरीदते हैं? ये किसान लकड़ी कहां बेचेगा? चांदनी चौक में जाकर? ये भी एक कृषि उत्पादन है. कृषि उत्पादन का दर्जा देकर इस उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान तो कहता ही है अगर एक पेड़ काटेंगे तो 5 पेड़ बोएंगे, मगर बोए हुए पेड़ से कोई फायदा ही ना होगा तो कोई पेड़ क्यों बोएगा? यहाँ तो यही बात दिल में घर कर गई है. पेड़ काटने वाले देशद्रोही है, इसी कारण बेकारी में भी बढ़ावा होता है. कायदा अपनी सख्त पकड़ बनाए, हर किसान के जहन में डर जमा चुका है, मगर प्रसार और प्रचार से कायदे में थोड़ी रहम नजर रख कर किसानों को पेड़ की खेती करने को उत्साहित किया जाए तो देश की भौगोलिक परिसीमा बदल सकती है, पर्यावरण में इजाफा होगा एवं गरीब मजदूर एवं मध्यम वर्गीय किसान और लकड़ी के व्यापारी उसी पेड़ से आमदनी ले सकता है. सरकार भी इसे उद्योग बनाकर करोड़ों की आमदनी कर सकती है. कुछ मुट्ठी भर पर्यावरणवादियों की नासमझ से लाखों किसानों, व्यापारी एवं मजदूरों की जिंदगी के प्रति थोड़ा बदला नहीं जा सकता. आपके जहन में टटोलती हुई समस्या पर हम देश के बुद्धिजीवी, चिंतनकर्ता एवं यही समस्या को दोनों पहलू से समझने वाले सज्जनों से उनका विचार जानना चाहते हैं. हमें आशा है हमारी बात आप तक पहुंची होगी. बस इतना जरूर कहेंगे कि लाखों करोड़ों भारतीय नागरिकों की निगाहें आप पर टिकी है कि आप क्या विचार करेंगे, क्योंकि यहां कटी हुई लकड़ी पर टिकी है हजारों जिंदगी.